भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हिंदू संस्कृति की वेदी पर दिनांक 23 से 30 जुलाई तक बडनेर रोड स्थित भक्ति धाम में रोजाना सुबह 10 बजे यज्ञ तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय युवा संत आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की अमृतवाणी में भागवत कथा का पवित्र आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी मराठी पत्रकार भवन में आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। अमरावती वासियों के लिए बहुत ही पावन संदेश। अमरावती अम्बा नगरी में श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन दिनांक 23 जुलाई से 30 जुलाई तक होने जा रहा है। स्थान श्री भक्तिधाम मंदिर। इस पावन महायज्ञ में 21 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान भी किया जाएगा। उस महा अनुष्ठान में मैं सभी सनातनी बंधुओं से हार्दिक विनंती करता हूँ, आप सभी इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर इस यज्ञ का भाग बने और अपने जीवन में समृद्धि व संपन्नता को लाए, क्योंकि यज्ञ वैदिक परंपरा, वैदिक धर्म का सार है। वैदिक धर्म की यह यज्ञ एक केंद्र बिंदु है, कि बिना यज्ञ के हम सब निष्क्रिय होते जाएंगे। जितना ज़्यादा यज्ञ होगा उतने हम बलिष्ठ और बलवान बनेंगे। यज्ञ ही हमारे सनातन धर्म का एक मूल आधार है, इसलिए आप सभी बंधुओं से विनंती करूंगा, इस महायज्ञ का आप सभी हिस्सा बनकर इस महायज्ञ को संपन्न बनाएं और आप सभी अपने लिए सफलता हासिल करें। जय श्री कृष्ण। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य भी होगा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं परिचय करवा देता हूँ। मैं प्रकाश शेरवाणी, जीव आनंद सेवा समिति बटनेरा। हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय संत श्री शक्ति महाराज जी, पीठाधीश्वर श्री शक्ति संस्थान कालीमाता शक्तिपीठ संस्थान 1008 उनके बाद में विराजमान हमारे माननीय श्री मोहन भाई झाजरिया जी मधुसूदनपुर अमरावती, उनके बीच विराजमान श्री राजकुमार राजदेव जी भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष अमरावती जिला के, उनके बाद में उपस्थित हमारे श्री हेमंत जी मालविया हिंदू क्रांति सेना के अध्यक्ष, उसके बाद में हमारे भाई जी विराजमान श्री नीलेश जी टोलारे हिंदू जनजागरण समिति के समन्वयक अमरावती जिला, मेरे पड़ोस में विराजमान श्री राम बाबा जी मिठानी जिनका एक दरबार है स्वामी शांति प्रकाश आश्रम रामपुरी कैंप, बाद में विराजमान हमारे नितिन भैया व्यास जी जो हिंदू महासभा के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष है, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित वृंदावन से पधारे पंडित जयदीप जी पाटल जो इस महायज्ञ के मुख्य हिस्सा बनेंगे, और हमारे बीच उपस्थित हमारे संजय भैया शर्मा, हमारे भैया शुभम जी अग्रवाल, हमारे बीच शेंद्र भाभी जी और नीलम मालिका भाभी जी और मुक्ता भाभी जी, महिला संगठन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। ये हिस्सा बने और इस महायज्ञ से आप अपने साथ समृद्धि व संपन्नता साथ लेके जाए, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और हमारे बीच उपस्थित श्री श्री शक्ति महाराज जी से विनती करूँगा कि यज्ञ के लिए आपको जानकारी देंगे और सभी अमरावतीवासियों का आह्वान करेंगे। जय श्री राम। आज हम लोगों ने इस यज्ञ पर सभी सफल हिंदू समाज और हमारे पंडित ने सारा विषय सब बता दिए हैं, बाकी उसमें का कुछ चीज़ हम लोग बता रहे हैं। आज हम लोग यह यज्ञ की जो प्रेरणा हम लोगों को जो मिली हुई है और हमारे श्री प्रकाश जी को भी और पंडित जी को भी जो प्रेरणा मिली हुई है कृष्ण गोपाल जी से, वो इस कारण मिली हुई है कि अपन अपने हिंदुस्तान की तो बात करते ही करते हैं इंडिया की, उसके अलावा हम लोग महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, अमरावती शहर की बात कर रहे हैं, पूरे चारों तरफ ग्रामीण वासियों की बात कर रहे हैं। हम लोगों को जो यज्ञ करने में जो हितार्थ है, आज हितार्थ हम लोग इस हितार्थ से ये यज्ञ कर रहे हैं, जो भागवत कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का जो सभी भक्तों
ये विश्व में विश्व शांति के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे पत्रकार भाई बंधु, सभी चैनल वाले मेरे भाई बंधु, ये आप लोगों को भी सब दिख रहा है पर कुछ कुछ चीजें बोल नहीं सकते आपको, कहीं ना कहीं आपको भी बंधन है, पर हम लोगों का बाप कोई नहीं है, हम लोगों का बाप एक श्री महाकाली माता ही है और ईश्वर ही है करके हम लोग इस यज्ञ की माहिती देना चाह रहे हैं। इस यज्ञ का जो यज्ञ जो है, जो यजमान बैठेंगे, ये यजमान का भी कोई स्वार्थ नहीं है बैठने का, निस्वार्थ से हमारे सब भाई बंधु, सभी समिति के लोग और सभी अमरावती वासी और भार्गव के वासी लोग यज्ञ में बैठेंगे। और मैं सभी हमारे पत्रकार भाई बंधुओं से भी यह निवेदन करता हूँ, अमरावती शहर वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस यज्ञ का सब जने यजमान छोटी सी राशि रखी हुए, इस यज्ञ में सभी सम्मिलित होइए। और हम लोग यह यज्ञ इस कारण कर रहे हैं कि दिन पे दिन ऊर्जा मिलना थी अपने इंडिया में हर चीज की, अच्छी चीज की, पर ऊर्जा तो हमें नहीं दिख रही है 10-15 साल से, अन ऊर्जा दिख रही है, बीमारी कहीं फैल रही है। हमारे देखो कोविड आया हुआ था, कोविड में कितना किस किस का है, हिंदुस्तान में कितने लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोग बेचारे चले गए, स्वर्गवास हो गए हैं। और इस यज्ञ करने से हम लोगों ने भी महाकाली शक्ति पीठ पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए हैं और ये यज्ञ का चमत्कार बहुत होता है। ये यज्ञ इस कराए जाते हैं कि अपने विश्व कल्याण, अपने इंडिया में जो भ्रष्टाचारी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जो आत्महत्या हो रही है हमारे किसान भाइयों की, जो नापिकी हो रही है, ये बात भी हमारे को संकेत मिल रहे नापिकी का। और हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे हम सभी जने भागवत सुनने के लिए बैठेंगे, भगवान हमारे किसान भाइयों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देवे और हमारे किसान भाइयों की आत्महत्या ना हो, हम लोगों का यही हमारा ये है। और हमारे यज्ञ का इसका इतना बड़ा चमत्कार है, हम लोग महाकाली शक्ति पीठ में जितने यज्ञ कराए हैं और इसमें भी भक्तिधाम में जो यज्ञ कराए जा रहे हैं, इसमें भी कई प्रकार की आहुति सब यजमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जब गिरेगी तो आहुति आप लोगों ने खुद ने, मेरे पत्रकार भाई बंधु, चैनल सभी भाई बंधु खुद ने आना पहले दिन से और आखिरी तक के, और जिस समय में समाप्ति होगी उसके चार के जब यज्ञ की आहुति ठंडी जब हो जाएगी तो आपको वहाँ पे हाजिर रहना। पहले दिन से तो 9 दिन से कितना आहुति गिरी थी और उसमें भगवान का जो आस्था या भगु विभूति जो निकलेंगे वो कितनी निकलती है, तो अब आप अचंभित होंगे कि ये आहुति इतने मटेरियल गिरने के बाद में ये सब सामग्री कहाँ गई। तो ये सामग्री का महत्व ऐसा है कि जैसा कि अपन मानव का, अपने गौ माता का ये जो यज्ञ है तो वो भी एक यज्ञ है, वो संयम जैसा जैसा जो जो मंत्र द्वारा जो भगवान के नाम से आहुति गिरती है जनमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, तो उस आहुति सीधा सीधा ऊपर वाले ईश्वर की और हमारे ब्रह्मा जी के पेट में जाता है। और यह चमत्कार है, यह बहुत से ब्राह्मण लोग जानकारी देती नहीं है, बहुत से ब्राह्मण जानकारी पूरी देना चाहिए मीडिया वालों को। और यह यज्ञ विश्व शांति हेतु के लिए हम लोग कर रहे हैं और उसके अंत में हम लोग यह प्रार्थना करेंगे अपने सभी भाई बंधु मिलकर निस्वार्थ भावना से, और हमारे हमारे मीडिया वालों को भी हम यही बोलेंगे आप लोग भी 2 अगरबत्ती रोज लगाओ और हमारे इंडिया में, हमारे पूरे महाराष्ट्र में जितनी भ्रष्टाचारी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो हमारी बहु बेटी को जो विचारधारा उनके दिमाग में जो आ रहे हैं कि हम हमारे घरदार छोड़ के पराए कुंभ में जाना है, तो हमारे बहन बेटियों को सदबुद्धि दे भगवान, ये यज्ञ नारायण भगवान कि हमारे सब बेटियों को और हमारे सब लड़कियों को अच्छी बुद्धि दे कि हम हमारे समाज में ही शादी करें। हम लोग यही बोलना चाहते हैं और हमारी गौ माता की राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। एक बार मैं अपील और करूंगा सभी भक्तों लोगों से कि आप इस यज्ञ में सभी लोग, समिति वाले भी, जो समिति जुड़ी वो भी और सब अन्य समिति वाले भी, जो यजमान लोग हैं, जो भगत लोग हैं, अमरावतीवासी सब इसके अंदर छोटी सी राशि में अनुदान दे रहे और यज्ञ का लाभ लीजिए। मैं सभी हमारे मीडिया वालों का और सभी पुलिस डिपार्टमेंट वालों का, सीपी सर का, दोनों डीसीपी सर का, मैं इस यज्ञ की समिति की ओर से श्री महाकाली माता हिंदू महासभा महाप्रदेश महाअध्यक्ष संत महाप्रदेश अध्यक्ष के नाते के ओर से मैं आप लोगों सभी को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे 2 शब्द विराम करता हूँ। अब हमारे 2 शब्द हमारे पवन भाई बोलेंगे।